क्या ही होगा इसका, तो ये तो मतलब खून चूसने वाली चीज़ है, मतलब चूसती है बिल्कुल, मतलब है। उठा भी बड़ी मुश्किल से कंजेस्टेड होके गए भैया, अब उतार दो हमको, हमने बैठा जा रहा है ना। अरे ऐसी बेइज्जती। तो हेलो भाई, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम अनमोल श्रीवास्तव, अनुभव कैसे सारे, उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। सामने देख रहे हो थार 4x2 ऑटोमेटिक एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन के साथ में ये गाड़ी आती है। एवरेज के बारे में और बाकी प्राइस क्या है, और टॉप मॉडल ही है ये, 4x2 का टॉप मॉडल है ये। तो आज के इस वीडियो में आर्यन भाई से इस गाड़ी के बारे में सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस न्यू महिंद्रा थार 4x2 ऑटोमेटिक। तो थार 4x4 लेने का मन नहीं किया, तब से मन था कि 4x2 ही लेंगे, कि मतलब क्या रीज़न था? क्योंकि मेरे पास 4x4 ऑलरेडी पजेरो स्पोर्ट है। हाँ, क्योंकि 4x4 तक अभी इस्तेमाल तो करी नहीं है। अच्छा। हाँ, मैंने 2012 में पजेरो स्पोर्ट ली थी 4x4। हाँ, फिर उसके बाद से जब से यहाँ चला रहे तब से मैंने शायद 4x4 में कभी गाड़ी लगाई नहीं, जो थार 4x4 हमेशा से निकाली गई थी। हाँ, फिर बात तो करी थी घर में, लेकिन पापा लोगों ने मना करा कि 4x4 का कोई यूज तो है नहीं, तो यूज है नहीं, लगेगा है नहीं। हाँ, तो जैसे 4x2 आई वैसे मैंने ले ली सबसे पहले। हाँ, ये बात है। तो मतलब जो है 4x4 का यूज नहीं लगा, इसलिए जो है 4x4 है ना। हाँ, तो ये चीज। अच्छा, ये बताओ कि जैसे 4x4 और 4x2 है ना, तो पहले तो डीजल इंजन जो 4x4 में आता था वो 2 लीटर का आता था, इसमें जो है लीटर चेंज कर दिया, मतलब डीजल वाला जो है 1.5 लीटर कर दिया है ना, छोटा कर दिया इंजन। तो उसको चला के देखा था कि नहीं देखा था? उसको चला के देखा था। हाँ, उतना मजा नहीं आया। अच्छा, जितना मजा इसमें 2 लीटर में आया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मुझे लेनी थी ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक के हिसाब से 1.5 लीटर इंजन ठीक नहीं है, मतलब छोटा लगा। मैं ऑन कर रहा हूँ वो एल्केजार है। हाँ, इतना मजा नहीं है चलाने का। हाँ, इसलिए मैंने उसी चीज को समझ करके मैंने ये 2 लीटर इंजन पेट्रोल लिया ऑटोमेटिक। हाँ, वो अल्कजार है तो मैनुअल के हिसाब से 1.5 सही है, उसमें पिकअप थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जो है इसमें। हाँ, ये बात है। और इसमें ऑटोमेटिक भी ठीक ही ठाक आता है, मतलब ज़्यादा वैसा आता नहीं है ना, तो इसलिए। अच्छा, ये बताओ कि जैसे इसको लिया तो ये कितने की पड़ी थी लगभग? ये हमको 15.5 की। 15.5 ऑन रोड? ऑन रोड। और उसके बाद में इसमें काम क्या क्या कराया? काम मैंने सिर्फ बैक रियर कैमरा लगवाया था। अच्छा, रियर कैमरा आता नहीं है? हाँ हाँ, कंपनी से एसेसरीज। अच्छा, और बाहर से ऐसे का काम कराया है? बाहर से मैंने ये आफ्टर मार्केट तो हेडलाइट चेंज करवाई, ये वाली। हाँ, हेडलाइट एंड ये फॉग लाइट लगवाया, प्रोजेक्टर ठीक, अगेन इसके बाद फिल्म वगैरह लगी है। वो तो खैर उसकी बात ना करो, वो तो कोई बात नहीं। इसमें और बाकी एम्बिएंट लाइटिंग भी है, और अंदर का थोड़ा बहुत वो पीछे लगवाया है वो चीज, आर्मरेस्ट है ना हमारा ये आर्मरेस्ट। अच्छा, ये बताओ कि जैसे आर्मरेस्ट अभी तुमने लगवाया है, तो एक तो स्पेस थोड़ा कम हो गया पीछे बैठने में है ना, लेकिन जैसे 4 लोग तो बैठ ही सकते हैं। 4 लोग बैठ सकते बिना आर्मरेस्ट के, अगर आर्मरेस्ट जब से पीछे के दोनों लग गया है। हाँ, 3 लोग। 3 लोग मतलब 2 लोग भी पीछे नहीं बैठ सकते? नहीं, उतने पीछे बैठने के लिए है ही नहीं, वो तो सब दे दिए। हाँ हाँ, वो मेन पर्पस इसमें आगे दोनों बैठने वाली है। नहीं तो जैसे मतलब आर्मरेस्ट नहीं लगता है तब तो चलो ठीक है स्पेस, वो हम समझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं बैठ सकते, मतलब 4 लोग बड़े कंजेस्टेड होके बैठेंगे। 3 लोग में ही समझ लो कंजेस्टेड ही है। अच्छा, हाँ हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, इतना स्पेस हाँ। भी नहीं, अब आगे अगर कोई लंबा व्यक्ति चला रहा है तो पीछे जो है दिक्कत हो सकती हाँ, है ना, ये चीज़ है। अच्छा अच्छा, ये बताओ ये जैसे पेट्रोल है तो ये एवरेज कितना दे रही? डीजल में तो 10-11 देती है, बिल्कुल। और पेट्रोल में मुझे दे रही 7, 7 और 8, 7, 8 भी नहीं। अरे ऐसी बेइज्जती, मतलब 7-7 दे रही बस, मैक्सिमम 7 गया है अभी तक फोन, मतलब। हाँ, एक्सप्रेस में लेके गया था। हाँ हाँ, मैंने 100 पे क्रूज लगाई थी तब ये करीब करीब 11 का दे रही थी उस समय, वो तो हाईवे था बिना ब्रेक के चल रही थी, ब्रेक इस्तेमाल नहीं ज्यादा एक्सीलेटर का नहीं, इसलिए वो 11 का दे रही थी। अगर हम नॉर्मल यहाँ पे सिटी में यूज करते हैं या नॉर्मल लखनऊ कानपुर चलाते हैं ज्यादा 7 के ऊपर नहीं, 7 के ऊपर अभी तक दिया नहीं कभी इसने। फर्स्ट सर्विस भी हो चुकी है उसके बाद भी नहीं दे रही कंपनी, तो क्लेम 8 कर रही है, 9 कर रही है, हाँ, दे 7 रही है।
वो तो क्लेम पता नहीं किस हिसाब से करते हैं, और जो है एवरेज एक्चुअल में कितना निकलता है वो तो ओनर ही बताता है कि मतलब जो है कंपनी वाले ज़्यादा बता रहे हैं कम दे रही है, और बहुत से ऐसे भी मिले कि कंपनी कम बता रही है ओनर ज़्यादा निकाल रहे हैं। तो अच्छा ये बताओ, जैसे 4x4 तो है नहीं, तो तब भी ये 7 का दे रही है, तब भी 7 का, मतलब क्या ही होगा इसका। तो ये तो मतलब खून चूसने वाली चीज़ है, मतलब चूसती है बिल्कुल, मतलब है अच्छे से। अच्छा कितनी चला दी अब तक? 2000 राउंड। तो इसमें फर्स्ट सर्विस हो गई, तो फर्स्ट सर्विस फ्री ही हुई होगी। 1000 भी थी फ्री में। ठीक है, तो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर्विस एक्सपीरियंस बेस्ट रहा। मतलब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी तक गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब सब सही चल रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। अच्छा 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 ये बताओ कि जैसे अब 4x4 जो आदमी ले रहा है, ठीक, जैसे देव भैया के पास है 4x4, उनकी भी चलाई है कि नहीं चलाई? उनकी एक बार चलाई थी, वो नहीं लाए थे तब चलाई थी, और उतनी ज़्यादा भी नहीं चलाई थी। मतलब तब चलाई ठीक है, बट 4x4 का मतलब लेने का मतलब यही है ना, कुदाओ फंदाओ जाके उसको चलता है, वो उसको भी कुदाओ फंदाओ तब तो फायदा है। अब जहाँ शहर में ट्रेनिंग 4x4 लेने क्या मतलब, फालतू 3 लाख रुपए महंगी ले गाड़ी, 3 लाख रुपए पेट्रोल डला ले, 7 का एवरेज दे रही वो बच जाएगा है तो वो चीज़। अच्छा ये बताओ जैसे मॉडिफिकेशन कराए हो, लाइट्स चेंज कराई है, तो जो पुरानी वाली लाइट थी उसका थ्रो बिल्कुल बेकार था क्या? मतलब वो ठीक था लेकिन इतना बस वही है कि नई जनरेशन के हिसाब से है थोड़ा डिजाइन। ये लाइट जला के दिखाओ, ये लाइट जला के दिखाओ, देव भैया के में माइनस वाली लगी है, उनके में माइनस वाली है, ये चीज़ है, ये देखो ये कुछ ऐसी इसकी लाइट। बाकी यहाँ पे पूरा LED है, ये प्रोजेक्टर अंदर मिल जाते हैं, यहाँ पे स्टार 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 भैया 5 स्टार, ठीक है, ये हाई बीम, ये लो बीम, और यहाँ पे इधर पूरा गोल, और ये आपको इंडिकेटर मिल जाता है ऊपर DRLs। तो अच्छा ये जो इंडिकेटर है इसका स्मोक कराने का नहीं सोचा? स्मोक करा लेते, फालतू काम नहीं है चलो ग्रिल चेंज करा लेते, बहुत लोग ग्रिल चेंज कराते हैं, डॉग यूज कर ले हाँ। तो धीरे धीरे तो एकदम सही करा देंगे, तो आगे को कुछ वो ही नहीं रहेगा ना। स्टॉक चला ले, इसके बाद कराएंगे। अच्छा आउट ऑफ 10 अगर रेट करना है गाड़ी, कितना रेट करोगे एवरेज और बाकी सर्विस? अभी एक नंबर का है गाड़ी एवरेज का, एवरेज बहुत ज्यादा खून चूस रही है। अच्छा इसमें MID में दिखाता है कि नहीं दिखाता है, एवरेज दिखाता है कि नहीं? नहीं एवरेज नहीं दिखाता है, इसमें दिखाता है, इसमें टेप पे यहाँ पे दिखाता होगा ये, बाकी ऐसा कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एम्बिएंट लाइट। अच्छा यहाँ पे वो वाली भाई जी वैगन टाइप वाली, तो ये लगा है, ये वाली लाइट जलती है क्या? ये पूरा कार्डिक सेट लगा है इसमें, ये यहाँ पे भी है स्पीकर में। अच्छा स्पीकर अपग्रेड कराया है? नहीं स्पीकर कोई अपग्रेड नहीं हुआ है, वही है स्टॉक स्पीकर, मैंने सिर्फ सबवूफर रखवाया है। उससे कुछ फर्क पड़ा? थोड़ा सा फर्क पड़ा है कि मतलब थोड़ा सा साउंड क्वालिटी और अच्छी लग रही है। हाँ ये चीज है, मतलब जो है स्पीकर में, स्पीकर इसका कहते हैं कि बहुत खराब है, स्पीकर अपग्रेड है। पहले जो महिंद्रा थार में जो स्पीकर था वो तो अच्छा नहीं था, अब वाला जो है बढ़िया आ रहा है, अब वाला अच्छा आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि इसको जो है लगभग कितनी स्पीड तक ले गए हो, टॉप स्पीड तक कितनी ले गए हो? 140 हाईवे पे, वही एक्सप्रेस वे पे। तो 140 के टाइम जब आप चलाते हो तब स्टेयरिंग का फीडबैक कैसा रहता है? अच्छा। एक तो ऊंची है ना, तो इसलिए थोड़ा सा तो बॉडी रोल रहता है, इतनी दिक्कत में स्टेयरिंग पहले क्या होता था, बहुत से लोगों ने ऐसे बताया है कि जब चलती है तो स्टेयरिंग हिलता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मतलब इसमें अपग्रेड किया है इन्होंने, स्टेयरिंग किया है, अपडेट किया है, जैसे स्पीकर अपग्रेड है थोड़ा, जैसे पिकअप वगैरह चलाते हैं पहले जो थार की, जिस टाइम मैंने यूट्यूब में वीडियो देखी थी कि कभी तेज चलती है गाड़ी, स्टेयरिंग वगैरह, हाँ हाँ वही चीज हम पूछना चाह रहे थे कि मतलब जो है एक तो ऊंची है ना, और दूसरी चीज थोड़ी कॉम्पैक्ट है ना, तो कॉम्पैक्ट के हिसाब से ऊंची कुछ ज़्यादा है ये, तो उसकी वजह से स्टेयरिंग का फीडबैक थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, मतलब ऊंची है तो इसे, तो मतलब वो चीज़ इसमें नहीं है, है ना। तो अब अगर जिसको लेना हो तो किसको लेना चाहिए ये? अब लेनी तो चाहिए जैसे 18-25 की। देखो जैसे तुम्हारे पास 2-3 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, अल्कज़ार भी है, फॉर्च्यूनर भी है, तो अब पजेरो भी है, तो तुम्हारे लिए तो ये ठीक है कि हाँ मतलब जो है एक सेकेंडरी हो गया, लेकिन अब जिसको पहली गाड़ी लेनी है तो उसको तो तुम भी रिकमेंड नहीं करोगे, जिसको फैमिली के लेके चलना है, हाँ उसके लिए तो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, है ना। एक तो एवरेज भी नहीं देगी, और दूसरी चीज़ ये है इसमें बैठ भी नहीं पाओगे, नहीं पाएंगे। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है पीछे बैठाने वालों के लिए। अच्छा पीछे बैठना, पीछे बैठाने में मतलब कैसे? एक तो स्पेस तो है नहीं, स्पेस है नहीं, दूसरी तरफ सीट जो है खोल के पीछे बैठाना पड़ता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। तो इसमें लगभग कितने लोगों को बिठाए हो? लगभग 4 बस, मैक्सिमम 4 ही,
चौथा भी बड़ी मुश्किल से कंजेस्टेड होके गए भैया अब उतार दो हमको, हमने बैठा जा रहा है ना। तो ये चीज़ है, तो यही था इसका ओनरशिप, मतलब थोड़ी सी बातचीत इस गाड़ी के बारे में। बाकी 4x2 ही है तो नॉर्मल, तो खुदाई फंदाई इससे होती रहती है, मतलब जो जिस काम के लिए ये गाड़ी बनी हुई है, खुदाओ फंदाओ और फुटपाथ पे चढ़ाओ, तो वो काम तो ये आराम से कर लेगी। लेकिन बस ये है 4x4 वाली जैसी ऑफ रोडिंग जैसे वो कर लेती है वो नहीं कर पाएगी ये, बाकी ठीक है। मतलब एक भौकाल बनाने के लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ठीक। ब्लैक होती तो ब्लैक में भी एक चीज़ है, ब्लैक में बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है, और दूसरी चीज़ ये कलर भी नया इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने 4x2 में, तो ये चीज़ जो है इसलिए जो है ये लिया गया है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय, ड्राइव सेफ।